हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुकिंग मील्स विद जूही में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा करेले। आई होप आपको पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने करेले लिए हैं, उसको धो लिया है और धो के मैंने इसको छील लिया है ऊपर से। अब हम इसमें कट लगाएंगे और कट लगाने में जो भी बीज निकलते हैं चम्मच की सहायता से आप इसे सारे बीज ऐसे ही हम निकाल लेंगे और ऐसे ही कट लगा लेंगे। अगर लाल बीज है वो भी हम सभी करेलों में से मैंने बीज और कट लगा दिए हैं। चलिए हम खड़े मसाले अब भूनेंगे और फ्राई पैन में डालेंगे हम सरसों, मेथी दाना, जीरा। इसको हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद ज़्यादा काला नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल ही लाल ही होने देंगे। ये देखिए मेरा मसाला भून चुका है। इसमें मैंने सरसों, जीरा, मेथी दाना, आप सौंफ भी डाल सकते हो। इसे हम ग्राइंडर जाल में पीसेंगे और 1 से 2 चम्मच मैंने तेल लिया है, इसको गर्म होने देंगे और 1-2 प्याज मैंने काट के अब इसको भूनेंगे जो हम करेले में भरेंगे। लाल होने तक हम इसको पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हम लगेंगे इसको पकाने में। और ये देखो मैंने जो खड़े मसाले मैंने इसको पीस लिया है, ये देखिए। और इसी में ही मैं इस प्याज को जब लाल हो जाएगा तो इसमें डालूँगी। ये प्याज मेरा देखो भून चुका है, अब वही मैं खड़े मसाले इसमें डाल दूँगी। गैस मैंने बंद कर दिया है, आप भी गैस बंद कीजिए, नहीं ये बिल्कुल काला और कड़वा हो जाएगा खाने में। तो मैंने इसको अच्छे से पका लिया है, गैस मैंने बंद कर दिया है। और मैं इसमें डालूँगी हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च। 1 से 2 मिनट मैं इसे मलाऊंगी। गैस मेरा अब भी बंद ही है, अब 1 से 2 मिनट हो गए। अब मैं इसमें इसको प्लेट में निकालूंगी, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे हम 1 से 2 नींबू। नींबू से टेस्ट अच्छा आता है और कड़वापन भी नहीं रहता है। इसमें मैंने 1 नींबू अच्छे से मिला देंगे हम इसको। मैंने इसमें 2 नींबू डाले थे। चलिए हम इसको भरने स्टार्ट करते हैं। आप ज़्यादा मत भरिए, मीडियम हिसाब का भरिए, नहीं तो जब हम फ्राई करेंगे तो ये बाहर निकलने का डर भी रहता है। ये देखिए ऐसे थोड़ा कम ही रखेंगे आप, ऐसे अच्छे से दबा के हम इसको भर देंगे। मैंने थोड़ा कम ही रखा है, ऐसे ही मैंने सब, ये देखिए सब मैंने फिल कर लिए हैं। चलिए हम इसको अब फ्राई करते हैं। मैंने 4 से 5 टेबल स्पून मैंने तेल लिया है, इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी करेले, एक एक करके हम इसमें करेले डालेंगे धीरे धीरे। ये देखिए ऐसे, अब से हम इसको मैं 10 मिनट तक इसको मीडियम आंच पर ही हम पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए ऐसे हम धीरे धीरे इसको चलाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे आप चलाइए ताकि मसाला बाहर ना निकले। ऐसे ये देखिए ऊपर नीचे कर देंगे हम, चम्मच की सहायता से भी आप कर सकते हो अगर आपको इसके साथ नहीं चल। 10 मिनट हम धीमी आंच में पकाएंगे इसको। 10 मिनट हो चुके हैं ये। अगर आपको पलटे के साथ या किसी भी चम्मच के साथ नहीं हो रहा तो आप चिमटे के साथ ऐसे धीरे धीरे भी आप पलट सकते हो। ऐसे ही मैं धीरे धीरे पलट लूँगी सबके, जहाँ हमें कच्चा लग रहा है वहाँ हम फिर पलट देंगे। हम सबको ऐसे धीरे धीरे पलट लेंगे जहाँ हमें कच्चा लग रहा है। ऐसे ये धीरे धीरे देखिए ऐसे आराम से हो जाएगा चिमटे के साथ। ऐसे ही अब मैं 10 मिनट और ऐसे ही पकाऊंगी। 10 मिनट मेरे और हो चुके हैं, कम से कम मेरे आधा घंटा मुझे लग गया इसको पकाने में। आप ये धीरे धीरे पलट पलट के जहां आपको लग रहा है कच्चा है तो आप इसे पका सकते हो। ऐसे ये देखिए जहां आपको लग रहा है कच्चा है, ये देखिए ऐसे ही आप सब करेले से पलट पलट के पका सकते हो। अगर आपको और टाइम लगता है तो आप ऐसे ही धीरे धीरे पकाइए। मेरे करेले पक चुके हैं, ये देखिए पूरे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज़ आप अपने घर में जरूर ट्राई करें, आपको अच्छी लगेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा लगेगा इसको बनाने में, धीरे धीमी आँच में पकाइए। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच।